हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल्स, मरियम हियर। सो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लॉक इन प्लांट्स को लेकर, बायोलॉजिकल क्लॉक इन प्लांट्स का इंट्रोडक्शन, सर्कैडियन रिदम की कुछ डिटेल्स, कुछ जीन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर्कैडियन रिदम को लेकर, जिसमें सीएसआईआर नेट क्वेश्चंस कर चुकी है और आते भी रहते हैं, तो वो चीजें हमने देखी थी लेक्चर फर्स्ट में। हमारा लेक्चर सेकंड है, आज हम लोग टाइडल रिदम के साथ यहां पर स्टार्ट करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो प्रीवियस लेक्चर में मिसिंग थे साइंटिस्ट के बारे में बताना रह गया था, मैं अभी ऐड कर रही हूं यहां पर, कि पिटन ड्रिग नाम के एक साइंटिस्ट थे 1960 में, उन्होंने बहुत कुछ बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बताया था कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हमें बायोलॉजिकल क्लॉक का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एरिस्टोटल ने 300 ईयर्स पहले बताया कि जैसे सूरज, चांद, ये सारी चीजें हैं, ये भी बायोलॉजिकल क्लॉक है कहीं ना कहीं, एक अर्थ की उसके बेसिस पर वर्क करती है। चार्ल्स डार्विन ने भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पैरामीशियम को इंक्लूड किया और बहुत सारे एग्जांपल्स देकर बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बताया। तो ये कुछ साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन बायोलॉजिकल क्लॉक में हमेशा रहा है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अरविन बनिंग। तो अरविन बनिंग जो थे, अरविन बनिंग, इन्होंने भी काफी कुछ हद तक मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, और उसमें हमें डिटेल्स के जो हो सकती है वो बताया था। फिर एक कंसेप्ट आता है ज़िटबर्ग का। ज़िटबर्ग क्या होता है? तो ज़िटबर्ग ऐसे क्यूज होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिज्म की मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक होगी उसके साथ इन्वायरमेंटल क्यूज होते हैं जो कि उसके साथ जुड़ जाते हैं और फिर उस इंसान को बताते हैं कि कैसे उसके साथ सिंक्रोनाइज किया जाए कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है वो इंडिया में रह रहा है, इंडिया से रहकर वो अमेरिका में चला गया फॉर एग्जाम्पल, तो उस इंसान को वहां पर जाके उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक वहां के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ अगेन सेट हो जाए, सिंक्रोनाइज कर जाए, तो उसके पीछे जो क्यूज रहते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स जैसे रहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्यूज जो होते हैं, उनको ही हम ज़िटबर्ग्स कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ज़िटबर्ग इज एन एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल क्यू दैट इंट्रेन्स और सिंक्रोनाइजेज इन ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल रिदम यूजुअली नेचुरली ऑकरिंग एंड सर्विंग टू इंट्रेन टू अर्थ 24 आवर लाइट डार्क एंड। पूरा डिटेल इतना काफी है आपको देखना वैसे, ठीक है। उसी तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक में जैसे आउल्स हैं और बैट्स हैं, इनको शाम होती है तो इनको खुद से समझ में आ जाता है कि अब इन्हें उठ जाना, डायर्नल मतलब दिन का जो टाइम आएगा उस टाइम पे सो जाना है, तो इसलिए बैट्स और आउल्स जो होते हैं उनका हम नॉक्टर्नल कहते हैं क्योंकि रात के टाइम पर एक्टिव हो जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स खुद से समझ लेते हैं हाइबरनेशन में कब जाना है, कब उनका माइग्रेशन शुरू करना है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल क्लॉक में रहती है। अरविन बनिंग ने बहुत कुछ यहां पर बताया था कि ये जो इनबिल्ट क्लॉक होती है ये ज्यादातर 24 आवर्स के पर अपने आप को रिपीट करती है, कि वो जो प्रोसेस है वो खुद से समझ जाती है कि अब यही प्रोसेस फिर से रिपीट करना है। तो ये कुछ ना कुछ चीजें थी साइंटिस्ट से जिन्होंने बहुत डिटेल में बात की थी। लेक्चर फर्स्ट में हमने पीरियोडिसिटी, एंडोजीनस, एक्सोजीनस, ये सारी चीजों को भी डिटेल में समझ लिया था कि ये चीजें क्या होती है। और आज हम जो मतलब टाइडल को स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीजें देख रहे हैं, ये टाइप्स है बायोलॉजिकल क्लॉक के। ये प्रीवियस लेक्चर के नोट्स है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो फिर से देख सकते हैं आप यहां से। और यहाँ पर एक चीज आपको कुछ जो वर्ड्स थे वो बता रही हूँ जो पिछले लेक्चर में ऐड करना रह गए थे, फिर हम लोग आज का स्टार्ट कर रहे हैं। क्रिप लस क्यूलर, LUSCULAR, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जब सन सेट होता है और सनराइज होता है उन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा, दोनों ही टाइम पर बल्कि एक्टिव रहते हैं, सनसेट के टाइम पर भी सनराइज के टाइम पर भी एक्टिव रहते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्रिपलस्क्यूलर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में रेबिट आता है, ठीक है, ये आप सर्कैडियन रिदम में ऐड कर लेना, कल की चीजों में ये सारी चीज आ जाएंगी। तो रैबिट इसके एग्जांपल में आते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल आपको पता है नाइट के टाइम पर एक्टिव होते हैं तो उनको हम नॉक्टर्नल कहते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी तो आपने कल देख ही ली थी, मैंने आपको बता दी थी, यहां पर देख सकते हैं आप नॉक्टर्नल क्या होता है और डायर्नल क्या होता है, और उनके एग्जाम्पल्स भी हमने वहां पर देख लिए थे। तो ये कुछ चीजें थी। इसके अलावा एक मतलब पनामा के जो एरिया है वहां पर एक बर्ड पाई जाती है जिसका नाम रहता है पाइलकेटेड टिनामाऊ। तो ये एक बर्ड होती है पाइलकेटेड टिनामाऊ। तो हालांकि बॉटनी में एग्जांपल ऐड कर रही हूं मैं समझाने के लिए, आपको एक फन फैक्ट बताने के लिए। तो ये बर्ड क्या होती है, चाहे रात हो या दिन, वो दोनों में ही हर तीन घंटे में वो सिंगिंग करती है। पिलकेटेड टिनामाऊ नाम की एक बर्ड होती है पनामा में। तो ये थोड़ा फैक्ट था। उसी तरह से प्लाज्मोडियम का एग्जांपल, वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी का एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो सर्कैडियन रिदम में। जैसे प्लाज्मोडियम जो है बहुत नॉर्मल सा इसका वैसे लाइफ साइकिल होता है और हर टाइम ये 24 आवर्स की साइकिल को ही फॉलो करता है। तो जहां भी 24 आवर्स की साइकिल का टाइम आता है वहां पर आप सर्कैडियन रिदम याद रखना। वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी ये भी क्या करता है, इसके जो लार्वा रहते हैं वो ह्यूमंस के लंग्स में रहते हैं और वो फिर क्या करते हैं, वहां पर लंग्स से निकल के उसका जो स्किन का नीचे वाला पोर्शन रहता है जहां ब्लड
ब्लड वेसल्स होती है वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर वहां से उन्हें जो मतलब मस्कीटोज होते हैं वो उनको सक कर लेते हैं, क्योंकि मस्कीटोज जब ब्लड को सक करेंगे तो उसके साथ साथ ये जो लार्वे होते हैं वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी के वो भी उनके अंदर चले जाते हैं। इस तरह से अफ्रीका के अंदर ये जो लार्वा है इनका इन्फेक्शन रातों रात बहुत ज्यादा फैल गया था ये देखा जाता है। तो ये चीजें हैं कुछ चीजें जो कि अब उनको कैसे समझ में आएगा लार्वे को किस टाइम पे ऊपर जाना है जब मस्कीटोज भी आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं सर्काडियन रिदम के एग्जाम्पल में आता है। तो ये आपका सर्काडियन रिदम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम टाइडल रिदम स्टार्ट कर लेते हैं फाइनली। तो टाइडल रिदम में आपको क्या समझना है कि जैसे कि वर्ड शो कर रहा है टाइड, तो जो ओशन की टाइड्स होती है अगर उसके तरह से उसके ही कैलकुलेशंस के साथ अगर रिदम वर्क कर रही है तो उसको हम कहते हैं टाइडल रिदम। तो बहुत सारे ऐसे मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि टाइड को देखते हुए रिदम्स को शो करते हैं, उनकी बॉडी की जो क्लॉक होती है वो टाइड के साथ मेंटेन कर लेते हैं। वो समझ में आ रहा है, कभी टाइड क्या होती है ओशन में, कभी ऊपर जाती है टाइड और कभी वही टाइड नीचे आती है। तो ये हाई और लो जो टाइड्स होती हैं उसके साथ ऑर्गेनिजम्स अपनी रिदम को अपनी बॉडी क्लॉक को क्या कर लेते हैं, सिंक्रोनाइज कर लेते हैं या फिर उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह के रिदम को हम टाइडल रिदम कहते हैं, जब जहां पर टाइड के साथ टाइड्स के साथ ओशन टाइड स्पेशली उसके साथ ऑर्गेनिज्म अपने आप को जोड़ लेता है। सो देर इज अ हाई एंड लो टाइड एंड अप्रोक्सीमेटली हर 12 to 0.5 आवर्स पे ये टाइड्स अलग अलग चीजें शो करती है, 12 to 12.5 आवर्स में, ठीक है, इसमें ये चेंजेस शो करती है। और इसकी एग्जांपल में आपको याद रखना है, एक ऑर्गेनिज्म होता है डायएटम प्लूरा, प्लूरा डायएटम प्लूरा सिग्मा, पूरा नाम भी लिख देती हूं मैं, सिग्मा डायटम प्लूरा सिग्मा, ये अपेयर करता है हर 8 आवर्स में और फिर डिसअपेयर कर जाता है मर्ड के अंदर अल्टरनेटिवली विद टाइड्स। 8 घंटे में एक बार ये मर्ड में से बाहर आता है और 8 घंटे बाद ये फिर से मर्ड में चले जाता है। मेटाबॉलिज्म कलर एक्टिविटी ऑफ फिडलर क्रैब्स शो साइकिल मैचिंग विद टाइड्स, और कभी कभी कलर्स भी अपने शो करते हैं डिफरेंट, जिस तरह से टाइड्स आती जाती रहती उस तरह से ये ऑर्गेनिजम्स अपने आपको चेंज करते हैं। तो खासतौर पर यहां पर आपको मराइन एग्जाम्पल्स को याद रखना है, मराइन ऑर्गेनिजम्स को, मराइन, ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पर टाइडल रिदम के बारे में। इसको अगर हिंदी में कहें जो टाइडल क्लॉक होती है इसको कभी कभी एक तो सरका टाइडल भी कहते हैं, तो आप ये मैं समझना कुछ नई चीज है, सरका टाइडल भी कुछ बुक्स में मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो ये जो चीज होती है सरकाडियन रिदम के अंदर, सरका टाइडल रिदम, ये दो अलग अलग रिदम्स है, क्लॉक भी कह सकते हो। तो इसको हिंदी के अंदर ज्वार भाटा कहते हैं, ज्वार का मतलब होता है हाई टाइड और भाटा का मतलब होता है लो टाइड। तो ज्वार भाटा हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वर्ड रहेगा, आपको याद रखना है, सरका टाइडल रिदम इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो ये यहां पर आपको ये बस टाइड्स के साथ ही चीजें रहती है जो कि याद रखने वाली चीज थी। और ओशन के जो मतलब बैंक होता है, किनारा जो होता है ओशन का, वहां पर एक इंटरटाइडल जोन पाई जाती है, तो वहां पर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और फिर कभी वो बाहर आ जाते हैं पानी से, कभी पानी के अंदर चले जाते हैं, उस तरह से वो अगेन टाइड्स को देखते हुए रिस्पॉन्स देते हैं। जूलॉजी स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल में यहाँ पर आता है कि जो प्लानेरिया और पॉलीकीट्स होते हैं उसमें, ये मैंने आपको मराइन के लिए बता दिया डायटम्स, बॉटनी वालों के लिए सही था, लेकिन और प्लानेरिया और पॉलीकीट्स जो रहते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये पानी के अंदर ही रहते हैं, छुपकर वहां पर बरोज बनाकर रहते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर हाई टाइड आती है तो ये अपने बिल में से बरोज में से बाहर आ जाते हैं। उसी तरह से एक मॉलस्क होता है जो कि अगेन हाई टाइड के टाइम पर खाना खा लेता है और जैसे ही लो टाइड आती है तो उसका खाना खाना वो बंद कर देता है। फिल्ट्रेशन रेट भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का इस पर डिपेंडेंट होता है। सी एनीमोन के अंदर देखा जाता है कि जब हाई टाइड आती है तो उस टाइम पे वो अपनी बॉडी को मतलब ऐसे फैलाने लगता है, और जब थोड़ा और तेज होता है फैलाना सुकड़ना शुरू कर देता है, उसकी बॉडी को अलग टाइप से उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक फिडलर क्रैब होता है, मैं लिख देती हूँ स्पेलिंग आपको अगर प्रॉब्लम आए तो, फिडलर क्रैब, फिडलर क्रैब, तो फिडलर क्रैब जो रहता है ये जब हाई टाइड आती है तो ये अपने बिल को यानी अपने बरों को छोड़कर बाहर आ जाता है, और जब वहीं से मतलब लो टाइड होने लगती है तो वापस अंदर चले जाता है, वही चीज रहती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिसके नाम याद रखना, प्लानेरिया आ गया, पॉलीकीट आ गया, फिडलर क्रैब आ गया, सी एनीमोन आ गया, उसके अलावा कुछ ऐसे मॉलस्क होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर सरका टाइडल रिदम को फॉलो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है साइकिल जिसका नाम रहता है सरका लूनर, या फिर लूनर भी कह सकते हो, सरका लूनर, या फिर सिर्फ लूनर भी किसी बुक में मिलेगा तो गलत नहीं समझना है, सेप सही है वो, सरका लूनर रिदम।
ये रिदम लूनर वर्ड जहां आ जाए आपको याद रखना वो मून से रिलेटेड होता है, तो मून से रिलेटेड चीज होगी द मून ट्रेवल्स राउंड द अर्थ एवरी 23 आवर्स एंड 50 मिनट्स। दिस पीरियड इज नोन टू कॉज रिदम इन सम प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सच रिदम इज नोन एज लूनर रिदम। ऐसी रिदम जो कि मून के ट्रेवल होने के साथ साथ ऑर्गेनिज्म अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को उसके साथ सेट कर लेता है उसको हम लूनर रिदम कहते हैं। मून जो होता है वो अर्थ के आसपास जब ट्रेवल करता है तो उसके अंदर एक जगह से, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये मून है, तो मून यहां से शुरू होकर वापस यहां तक आने में कुछ टाइम लेगा आप समझ सकते हो, या फिर एक पोजीशन उसकी जो रहती है ट्रेवल करने की राउंड द अर्थ वो हमेशा 23 आवर्स एंड 50 मिनट्स की रहती है ऐसा माना जाता है। ये जो पीरियड रहता है इज नोन टू कॉज रिदम इन सम प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये अगेन लूनर रिदम कुछ प्लांट्स में कुछ एनिमल्स में देखने को मिलती है। इसके अंदर बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्पल यूज होता है मैं उसको बता देती हूँ, वो होता है डिक्टियोटा का, डिक्टियोटा DICTYOTA। डिक्टियोटा रिलीजेज अ गैमेट्स एंड स्पोर्स अकॉर्डिंग टू लूनर साइकिल। ये गैमेट्स को और स्पोर्स को रिलीज करता है लूनर साइकिल के अप्रोक्सीमेटली, समझ में आ रहा है। जूलॉजी स्टूडेंट्स को मैंने जब पढ़ाया था उनको एग्जाम्पल था जैसे प्लेटीनेरीज होता है, प्लेटीनेरीज ठीक है वो भी है, आप बॉटनी स्टूडेंट्स भी इनको ऐड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यूमोराई। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने आप को जो मून का चलने का टाइम होता है कैसे मून का भी फुल मून आता है कभी क्रिसेंट आता है उसके साथ अपने आप को जोड़ लेता है। तो ये चीज थी। इसी तरह से एक और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होता है हेट्रोनीरीज जिसको हम कहते हैं, हेट्रोनीरीज के अंदर भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। उसके अलावा जब फुल मून होता है तो उस टाइम पे स्वार्म करते कुछ ऑर्गेनिज्म, न्यूपटियल डांस करते हैं और ऑर्गेनिज्म मतलब तब नए जो ऑर्गेनिज्म है उसमें मेटिंग की प्रोसेस होगी, एग फॉर्मेशन होगा। तो कहीं ना कहीं मून को देखते हुए ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल को उसके साथ जोड़ लेते हैं। तो रिदम जब मून के साथ कनेक्ट हो जाती है ऐसी रिदम को या ऐसी क्लॉक को हम सर्का लूनर क्लॉक कहते हैं। तो आपको हमेशा ये चीजें याद रखनी है। और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे पैलेलोवॉर्म हो गया, यूनिस हो गया, तो ये जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ये पैसिफिक ओशन जो रहता है उसमें एक आइलैंड रहता है जिसका नाम है फिजी आइलैंड। इन दोनों की बात कर रहे हैं हम, एक आइलैंड है जिसका नाम है फिजी आइलैंड, ठीक है फिजी आइलैंड इसमें रहते हैं ये। और जब इन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है तो उस रिप्रोडक्शन का टाइम इनका तब आता है जब हाई टाइड्स आती है ओशन में, तो हाई टाइड्स के टाइम पे ये रिप्रोडक्शन करते हैं और उसी हाई टाइड्स के टाइम पर ये भी देखते हैं साथ में। देखिए अभी ये कौन से दो रिदम्स फॉलो कर रहे हैं, अगर टाइड्स देख रहे हैं यानी टाइडल रिदम तो फॉलो कर ही रहे, साथ में ये मून को भी देखते हैं तो मून के लिए लूनर रिदम भी फॉलो कर रहे हैं। तो टाइड्स को देखते हैं और यहां पर साथ में मून को देखते हैं कि उसकी जो जो लास्ट जो पोर्शन होता है लास्ट क्वाड्रेंट जब आने लगता है मून का उस टाइम पर ये ऊपर आ जाते हैं पानी की सतह पर आ जाते हैं, ये आपको समझना होगा। तो ये दोनों चीज देखते हैं, लूनर भी देखते हैं टाइडल भी देखते हैं। तो ये दो ऑर्गेनिजम्स का नाम याद रख सकते हो। इसके अलावा एक और होता है कोरिंगा नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1947 की बात है, तो उन्होंने बताया था कि एक ऐसा जंतु होता है या ऐसा जीव होता है आप कह सकते हो जिसका जो मतलब पोर्शन होता है लास्ट पोर्शन वो अलग अलग साइकिल्स फॉलो करता है। मैं बताती हूँ, तो मैं उनका नाम लिख देती हूँ पहले, कोरिंगा। तो कोरिंगा एक साइंटिस्ट थे कोरिंगा, और ये 1947 की बात है, 1947 की बात है। मेरा मुझे कैमरा में देखना रहता है तो नीचे कुछ और प्रॉब्लम आ जाती। तो कोरिंगा ने क्या बताया कि एक ऑर्गेनिजम्स होता है, ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ जिसका जो प्रीवियस वाला पोर्शन होता है फ्रंट पोर्शन होता है, इसमें क्या होता है जब ये देखते हैं कि मून आ गया उनको एक प्रॉपर मून दिखाई देने लगता है, तो इन्हें रहना तो ओशन के अंदर रहता है लेकिन इनका रिप्रोडक्शन ओशन के बाहर हो पाता है, इसीलिए ये अपने जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है बैक पोर्शन जो होता है इसको ओशन के सरफेस के ऊपर पहुंचाते थे और वहां पर एग्स ऐसे पहुंच जाते। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस टाइप की चीजें करते हैं, इसके बारे में कोरिंगा ने बताया था। तो ये याद रखना है आपको। और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंट लायन, मायर मिलियन, ऑब्सक्यूरस। अब जब हम सर्कल लूनर कंप्लीट कर ही चुके, लूनर को कंप्लीट कर ही लिया, तो एक और होता है सेमी लूनर। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसको भी हम लूनर के साथ ही पढ़ लेते हैं, सेमी लूनर, या फिर इसको सर्का मैं लिख देती हूँ, सर्का जाइगिक, सरका जाइगिक, CIRCASZYGIC, सरका जाइगिक क्लॉक भी कहते हैं। ये स्प्रिंग टाइड जो रहती है, नियप टाइड जो रहती है उसके साथ देखा जाता है। सेमी लूनर का मतलब ही होता है
शेप लाइक हाफ मून और क्रेसेंट, इसको हम सेमी लूनर कहते हैं। तो सेमी लूनर क्लॉक के अंदर हम कहीं ना कहीं जब हाफ मून के साथ साइकिल कनेक्ट हो जाती है तो उसको हम सेमी लूनर कहते हैं। इसमें तीन मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं, एंडोजीनस क्लॉक, एनालॉगस टू सर्काडियन क्लॉक, इस टाइप से देखने को मिलता है। लेकिन बट जनरेटेड बाय एन ऑसिलेशन विद एन इननेट पीरियड ऑफ 15 डेज, यानी कि ये साइकिल करीब 15 डेज की होती है। जब फुल मून वाला जो टाइम होता है वो करीब 28 डेज का साइकिल होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ सेमी लूनर तक की बात करते हैं तो आधा 14.5 या 15 डेज तक का होता है। अब जो बीट हाइपोथेसिस होती है यहाँ पर वो सर्काडियन रिदम और सर्काटाइडल क्लॉक की अलग देखने को मिलती है। इसमें कुछ चीजें होगी जो एक एक करके हम समझते जाएंगे अब यहाँ पर। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर हमें देखना है कि एक ये स्प्रिंगटाइड और नियपटाइड हो गया, ये तो इसका वो हो गया कि कौन सी चीज को फॉलो करते हैं। इसको अगर मैं हिंदी में कहूँ तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्प्रिंगटाइड और नियपटाइड के जो रीजन्स होते हैं उसके साथ अपना वर्क करते हैं। एग्जाम्पल में आता है पेरीविंकल और लिटोरिना रूडिस जो होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को 14.5 डेज की जो साइकिल होती है उसके साथ सेट कर लेते हैं, सेमी लूनर साइकिल्स के साथ सेट करते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल में आपको याद रखना है। इसके बाद जो रिदम्स हमारे पास आ रही है वो होती है अल्ट्राडियन रिदम। कल एक एमसीक्यू हमने देखा था सीएसआईआर नेट का पीवाईक्यू, तो उसमें हमने अल्ट्राडियन रिदम के बारे में थोड़ा सा बस बात की थी। और एक एमसीक्यू उस पर जो देखा था कि बहुत शॉर्टर पीरियड साइकिल्स होती है, कभी कभी ये एक मिनट से भी ज्यादा छोटी होती है। सो अल्ट्राडियन रिदम्स आर स्टिल शॉर्टर पीरियड विच रेंजेस फ्रॉम जस्ट अ मिनट, इतनी छोटी हो सकती है। 24 आवर्स से तो पक्के से छोटी होती ही है अल्ट्राडियन रिदम जो रहती है। और इसके एग्जाम्पल में आता है जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है प्लाज्मोडियम में वो अबाउट 2 आवर्स की होती है, 2 घंटे की होती है। और जो सर्कलिंग होती है ट्विनिंग स्टेम वो भी इसके एग्जाम्पल में आ सकती है। जैसे 2 आवर्स का एग्जाम्पल आ गया तो आप सोचे होंगे मैंने तो 1 मिनट का, लेकिन 24 आवर्स से तो छोटी ही होती है, उसी को हम अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। तो अल्ट्राडियन रिदम में आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, उसमें से पहला एग्जाम्पल मैंने आपको कौन सा बताया, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का बताया। स्ट्रीमिंग किस में बताई, प्लाज्मोडियम में बताई। तो ये जो अल्ट्राडियन रिदम होती है वो 2 आवर्स की होती है, किसके अंदर, प्लाज्मोडियम है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के अंदर। और जो सर्कलिंग होती है ऑफ अ ट्विनिंग स्टेम वो भी यहां पर देखने को मिलती है। तो सर्कलिंग ऑफ अ ट्विनिंग स्टेम बॉटनी के एग्जाम्पल से इसलिए मैं यहां अलग से ऐड कर रही हूं, इसको अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। सो ये शॉर्टर पीरियड होते हैं, 1 मिनट की भी हो सकती है लेकिन 24 आवर्स से छोटी होती है, इसी को हम अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास अब आ जाती है एनुअल रिदम्स। एनुअल रिदम्स ऐसी ही रिदम्स होती हैं जिनका जो पीरियड होता है वो 1 ईयर तक का होता है, 1 साल का। 1 ईयर का अगर पीरियड है तो रिदम्स हैविंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आर नोन एज एनुअल रिदम्स। इसमें जैसे कि लीफ फॉल करती है डेसीडुअस प्लांट पे से ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, ये साल में एक बार होती चीज। फ्लावरिंग हो रही है किसी फ्लावर के प्लांट में तो वो कभी अगर 1 साल में हो रही है, फ्रूट्स अगर आ रहे हैं 1 साल में आ रही है, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स 1 साल में हो रहा है, तो इस तरह के रिदम्स को हम एनुअल रिदम्स कहते हैं। तो इसके एग्जांपल अब लिख लेते हैं, पहले तो लीफ फॉल इन डेसीडुअस प्लांट्स ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन ये आ जाता है। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स वो सब मैं लिख नहीं रही हूं, आपको लिखना आता है। तो बस इतना याद रखना, सरका एनुअल क्लॉक के अंदर इसको सरका एनुअल भी कहते हैं। हाँ, फिर अगेन आप सोचोगे कि बुक में तो ये नहीं है, मैम ने कुछ और ही बता दिया, सरका एनुअल क्लॉक भी नहीं कहते हैं, ठीक है। अब सरका एनुअल क्लॉक में आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये 1 साल की होती है और इसमें जो मौसम होता है, जो सीजन होते हैं उसके साथ ही अपने आपको कनेक्ट कर लेती है। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो सिर्फ समर सीजन में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं विंटर में आते हैं, वो सब सरका एनुअल रिदम को फॉलो करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर तो बहुत अच्छे से देखने को भी मिल जाती है, पेंसी, कैलेंड्यूला, कंडिटेफ्ट, कॉर्नेशन, ये सारे फूल जो रहते हैं वो सिर्फ विंटर्स में आते हैं। और कभी कुछ फ्रूट्स वगैरह की मतलब जो लेंथ होती है, कितनी बढ़नी है, क्या टेम्परेचर रहेगा, ये चीजें भी उससे जुड़ जाती है। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स तो पक्के से सरका एनुअल ही होता है ज्यादातर, कभी कभी 6 मंथ्स का भी होता है, तो मेनली तो 1 ईयर का ही होता है, ये आपको याद रखना है। एक वास्प होता है, फ्लैश फ्लाई होते हैं, इनके जो लार्वा होते हैं उनको भी पता होता है कि कब उन्हें डेवलप करना है कब नहीं करना है, ये सब चीजें सरका एनुअल के अंदर आती है। तो सरका एनुअल में आपको ये वर्ड्स याद रखना है कि डॉर्मेंसी, टॉर्पर, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ये सब चीजें भी सरका एनुअल क्लॉक का ही एक पोर्शन होती है, ठीक है। टॉर्पोर की स्पेलिंग लिख देती हूँ यहाँ पर, तो समझ में आ जाए, टॉर्पोर, डॉर्मेंसी, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन के बाद आ गया एस्टिवेशन,
एस्टिवेशन, ये सब चीजें इसमें आती है। ज्यादा डरने वाला टॉपिक नहीं, बहुत छोटा मोटा टॉपिक है, बस जल्दी जल्दी से बताती जा रही हूँ। तो यहाँ पे सारी आपकी रिज्यूम्स मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब आपके एक और टॉपिक आ रहा है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। एक होता है सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, और तो ये टॉपिक है थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। दो थ्योरीज होती है, द पेंडुलम थ्योरी एंड द रिलैक्सेशन ऑसिलेशन थ्योरी। पेंडुलम थ्योरी में याद रखना कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑसिलेशन जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो पेंडुलम जो थ्योरी मैं लिख देती हूँ, क्योंकि शायद आप भूल जाएंगे अगर मैंने नोट नहीं करा, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको, ये वाली थ्योरी में इंडिपेंडेंट ऑसिलेशन रहता है, और इसका जो मतलब ओवरऑल टाइम रहता है लगभग 1 डे का होता है। ठीक है, तो इसका टाइम याद रखना 1 डे के लगभग होता है, इस तरह से वो मेंटेन होती है। और एक नॉर्मल अगर आप क्लॉक को देखोगे तो उसमें ये उदाहरण आप दे सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो कि पेंडुलम थ्योरी रहती है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसके हिसाब से देखा जाए तो किसी भी जीव में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंडिपेंडेंट ऑसिलेशन पाया जाता है, और उसका एक आंतरिक समय जो होता है यानी कि ओवरऑल जो टाइम होता है वो 1 डे का होता है, नॉर्मली 1 डे का होता है। समझ में आ रही बात? और एक सामान्य यांत्रिक घड़ी पेंडुलम सिद्धांत का उदाहरण कही जा सकती है। एक नॉर्मल जो हमारे घर में वॉचेस होती है, हम जिसको देखते हैं, वो 1 डे पे पूरी एक बार 12 बजी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वापस से 12 o'clock आ जाएगी। अब इसको पता नहीं कुछ अलग तरह से साउंड नहीं कर रहा हो, तो ये चीजें देखने को मिलती है, हम इसको पेंडुलम थ्योरी कहते हैं। उसी के साथ हमारे पास रिलैक्सेशन ऑसिलेशन थ्योरी होती है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो कहीं ना कहीं कि कोई एक अपना कोई समय नहीं होता, उसके हिसाब से चलती है, लेकिन लगातार चलती ही रहती है और इसमें एक रुकाव नहीं आता। और इसके अंदर जियोफिजिकल जो घटनाएं होती है इसका थोड़ा सा पोर्शन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं कुछ जियोफिजिकल चीजों से जुड़ जाती है ये वाली घड़ी या क्लॉक, जियोफिजिकल। समझ में आ रही बात? तो ये घटनाओं के लायत्मक समय प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का हृदय इसका अच्छा उदाहरण है। जो ह्यूमन का हार्ट है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेशन थ्योरी पर वर्क करता है। एक टाइम पे वो बीट करता है, फिर हल्का सा रिलैक्स करने जैसा होता है, फिर से बीट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, लबडब जो साउंड होता है आपने सुना होगा, वो चीजें जो होती है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेशन थ्योरी में आती है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो यही है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका कोई समय नहीं होता। हार्ट के अंदर आपको समय नहीं दे देते हो कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक चलना है, फिर आपको बैठ जाना है हार्ट, आप रात को 12 बजे से आप चलना बंद कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर चलना बंद करा तो इंसान ही, फिर तो आपको पता ही क्या होगा। तो जो ऐसी वॉचेज होती है, क्लॉक्स जो होती है जिसके अंदर कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता, जैसे कि हार्ट की वर्किंग वो बस चलती जा रही है, तो ये कभी रुकती नहीं, लगातार चलती रहती है। और इसमें कहीं ना कहीं जियोफिजिकल चीजों का वो रहता है कि हार्ट एक एज के इंसान का हो जाएगा तो उसका हार्ट वर्क करना बंद कर देगा, वो अलग प्रॉब्लम है। तो वो जो चीज होती है उसको हम रिलैक्सेशन ऑसिलेशन थ्योरी में पढ़ते हैं। और जो ह्यूमन्स की क्लॉक होती है इसकी अगर आपको अच्छे से डिटेल समझना है तो उसको समझने के लिए रिलैक्सेशन ऑसिलेशन थ्योरी ही वर्क करती है। तो ये एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंस, फाइनली सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। आफ्टर द प्रॉपर नॉलेज एंड स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ईल्ड ऑफ क्रॉप्स। अगर हम ये जान लें कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है किसी भी प्लांट की कैसे वर्क करती है, अगर हमें पता रहे कि वो प्लांट कब फ्लावरिंग करता है, कब उसकी फ्लावरिंग नहीं होती, तो हमारी जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उसकी ईल्ड हमें बहुत अच्छी मिल सकती है। तो अच्छे से फसल उगानी है तो आपको उन प्लांट्स की बायोलॉजिकल क्लॉक पता होना चाहिए। मिल्क प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन, ये सारी चीज आप अच्छे से कर सकते हो, लेकिन ये तब आप कर पाओगे जब आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छे से पता होगी। विद अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक एंड देयर रेगुलेशन इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द लाइफ स्पान ऑफ लिविंग बींग्स, इकोलॉजिकल बैलेंस एटसेट्रा। अगर आपको अच्छा नॉलेज मिल जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक का तो उसको रेगुलेट करना अगर आप सीख लेते हैं तो लिविंग बींग्स के लाइफ स्पान कैसे बढ़ाए जा सकते हैं वो भी आप कर सकते हो, इकोलॉजिकल बैलेंस को भी आप बढ़ा सकते हो। तो सिग्निफिकेंस में यही याद रखना कि हम ईल्ड बढ़ा सकते हैं, ईल्ड बढ़ा सकते हैं क्रॉप की, वो इंक्रीज कर सकते हैं। मिल्क का प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, सिल्क का प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, हनी बीज का अगर हम जान ले तो हनी बीज का प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, हनी का बढ़ा सकते हैं। उसके बाद लाइफ स्पान हम इंक्रीज कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स का। इकोलॉजिकल बैलेंस, ECOLOGICAL, इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है वो हम बढ़ा सकते हैं। अभी मैं राइटिंग थोड़ा फास्ट जब लिख रही हूँ तो वो ठीक नहीं आती है, अगर मैं प्रॉपरली पहले से नोट्स बना लेती हूँ तो थोड़ा प्रॉपर रहता है, बट स्टिल मेरे को जल्दी से वीडियो सेगमेंट कम्प्लीट करना रहता है स्टूडेंट्स, इसीलिए मुझे थोड़ा फास्ट लिखने में ऐसी राइटिंग आती है। सो प्लीज डोंट माइंड इट,
और अभी हमारे ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक इन प्लांट्स का। तो सारी चीजें कंप्लीट हो गई हमारी। अब मैं एक बार थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ आपका। बायोलॉजिकल रिदम क्या होती है, अब हम इंग्लिश में बात करेंगे। अ बिहेवियर दैट अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज बायोलॉजिकल रिदम। एग्जांपल, बर्ड सिंग इन अर्ली मॉर्निंग, वेक एंड स्लीप साइकिल, माइग्रेशन, हाइबरनेशन अकर ऑन अ ईयरली साइकिल। नाउ बायोलॉजिकल क्लॉक इज अ सेल्फ मेंटेन्ड क्लॉक, फिजियोलॉजिकल क्लॉक विच रेगुलेट बोथ एक्सटर्नल बिहेवियर एंड एंडोजीनियस एक्टिविटी, जनरेट बायोलॉजिकल रिदम्स एंड इट इज इननेट इन बिहेवियर। ये इननेट भी होती है, बाय बर्थ हमारे अंदर रहती है, इननेट रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल क्लॉक। देन वी सॉ सर्कैडियन रिदम। सो रिदम्स विद अ पीरियड, यहां पर देखो, ठीक है, सर्कैडियन रिदम। सो रिदम्स विद अ पीरियड ऑफ अबाउट 24 आवर्स अबाउट अ डे, कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकल क्लॉक। सर्कैडियन माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू टॉप ऑफ सी एट नाइट, स्लीपिंग एट नाइट, ऑल कम्स अंडर सर्कैडियन रिदम। ऑल्सो सर्कैडियन रिदम में हमने जो देखा, एक वर्ड था क्रिपस्क्यूलर, मैंने कहा लिखा, ये लिखा क्रिपस्क्यूलर कहते हैं, जिसको क्रिपस्क्यूलर भी कहते हैं। इसको ये भी लगा दो, आप हटाई दो। डायर्नल एक्टिव होते हैं डे के टाइम पे, जैसे ह्यूमंस, बीज। नॉक्टर्नल ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक्टिव होते हैं नाइट में, जैसे कि बैट्स। क्रिपस्क्यूलर जो कि एक्टिव होते हैं डॉन और डस्क दोनों के टाइम पे, एकदम सुबह का जो टाइम होता है, एकदम शाम वाला जो टाइम होता है, वो दो टाइम होते हैं ना, क्रिपस्क्यूलर कहलाते हैं, डॉन और डस्क, ये जो दो टाइम होते हैं। इसमें आता है रैबिट, मस्कीटोज, ये एग्जाम्पल्स इसमें आप पढ़ते हैं। ए रिदमिक होता है, नो रेगुलर डेली, है ना, अगर कोई साइकिल अगर अच्छे से चल ही नहीं रही, कोई टाइम पे हो ही नहीं रही, ए रिदमिक लाती है। फिर उसके बाद मतलब मॉर्निंग से रिलेटेड होती है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मॉर्निंग में एक्टिव होते तो उसकी टर्मिनोलॉजी, और इवनिंग की बता तो देखो, मेट्रूटिनल ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मॉर्निंग में एक्टिव होते हैं, तो उनकी टर्मिनोलॉजी आपको ये भी पता होना चाहिए। मेट्रूटिनल, MATUTINAL। उसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स इवनिंग में एक्टिव होते हैं उनको कहते हैं वेस्पर टाइम। क्रिपस्क्यूलर जो कि ट्वाइलाइट यानी डॉन और डस्क के टाइम पर एक्टिव होते हैं, जैसे रैबिट। तो स्टूडेंट्स, मुझे ये एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी बतानी थी इसलिए ऐड कर ली, मेट्रूटिनल और इवनिंग में। इवनिंग में ज्यादातर देखना आप इंसेक्ट्स जो रहते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम यहाँ। देन इफ वी टॉक अबाउट सर्कैडियन रिदम्स, दे अकर ओवर द पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली वन ईयर। माइग्रेशन, हाइबरनेशन सब में आता है एग्जाम्पल। हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू सीजनल वेरिएशन, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस वंस इन अ ईयर एंड दे फॉलो सर्कैडियन रिदम। क्लियर। देन इफ यू टॉक अबाउट सर्काटाइडल रिदम्स, दीज आर पीरियोडिक साइकिल्स बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। एग्जाम्पल, ओपनिंग ऑफ ऑयस्टर शेल वॉल्व ड्यूरिंग हाई टाइड एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्व ड्यूरिंग लो टाइड। ये सारी चीजें भी सर्काटाइडल रिदम्स में आ जाती है। फिर ग्रनियंस स्पॉन ऑन लैंड एट हाई टाइड्स एंड मॉलस्क एग आर लेड ड्यूरिंग हाई टाइड। 12 आवर्स से लेकर 24.8 आवर्स तक का सर्कैडियन रिदम हो सकता है, ये एक टाइम पीरियड है। मैंने 12.5 आपको बताया था ना, तो आप 12.4, 12.5 से लेकर 24.8 तक भी याद रख सकते हो, इतना बड़ा भी हो सकता है टाइड का टाइम पीरियड। तो दिस इज सर्कैडियन रिदम। देन इफ यू टॉक अबाउट सर्कालूनर रिदम, सर्कालूनर रिदम्स आर द रिदम्स विच आर लिंक्ड बाय मून या लिंक्ड टू मून, जो कि 28 से 29 डेज तक हो सकती है, लिंक टू मूवमेंट ऑफ मून। पेलोलो वॉर्म्स लिव्स इन डीप सी बट स्विम टू सरफेस ऑन फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून। पेलोलो वॉर्म फर्स्ट डे जो होता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून का, तब पानी के सरफेस पर आ जाते हैं। एप्लाइसिया स्पीशीज सी हॉर्स ये भी फॉलो करती है सर्कालूनर रिदम्स को। Also we saw about the control of biological rhythms. They are exogenous stimuli and endogenous stimuli. So exogenous stimuli का source external stimuli होता है, example sun, sleep movement, light, temperature, pressure rhythms. Endogenous की अगर बात करते हैं तो source इसका internal rhythm होता है driven by biological clock, जैसे कि menstrual cycle females के अंदर, genes, hormones, ये सारी जो चीजें होती हैं हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये कुछ ना कुछ एक एक करके आप सारी बातें अगर ध्यान से देखते जाओगे तो आपको सब क्लियर होता जाएगा कि exogenous, endogenous क्या होता है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं आपको रिविजन करवा रही हूँ। लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन एक्सोजीनस और इंडोजीनस, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कंट्रोल करता है बिहेवियर के थ्रू बायोलॉजिकल क्लॉक्स में। तो इसके बारे में लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, तो ये भी पता होना चाहिए था आपको। तो लॉरेंस का नाम यहाँ पर आ गया। उस तरह से बहुत सारे ब्रेन सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ ब्रेन सेल्स हाइपोथैलेमस में रहते हैं, वो उनके अंदर जो सुपरा काइजमेटिक न्यूक्लिया होती है वो प्रेजेंट होती है, SCN रहती है, जो कि स्लीप वेक साइकिल को मैं ये लिख देती हूँ आपको, तो लिख ही लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाता है एक्स्ट्रा नॉलेज। SCN क्या होता है, सुपरा काइजमेटिक
सुप्रा काइज़मेटिक न्यूक्लियाई को कहते हैं, और हाइपोथैलेमस का नाम मैंने यहाँ लिया आपके लिए, हाइपोथैलेमस का नाम आपको भी याद रखना है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर ग्रुप ऑफ ब्रेन सेल्स होती हैं जिसके अंदर SCN जो कि SCN कहलाती है, सुप्रा काइज़मेटिक न्यूक्लियाई कहलाती है। ये क्या करती है, ये रेगुलेट करती है, ठीक है, रेगुलेट करती है स्लीप वेक साइकिल को, कब उठना है कब सोना है ये देखती है, मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी का उसको देखती है, हार्मोन प्रोडक्शन मेलेटोनिन सेरोटोनिन कैसे करवाना है वो देखती है, कॉर्टिसोल जो होता है हाई होता है मॉर्निंग में, मेलेटोनिन जो होता है नाइट के टाइम पे हाई होता है, फिर उसके बाद ग्रोथ हार्मोन हम जब सो रहे होते तब ज्यादा रहता है, एल्डोस्टेरोन जो रहता है पीक करता है आफ्टरनून में और इवनिंग में वो कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लो होता है आफ्टरनून में नाइट में हाई हो जाता है, ये सारे हार्मोन्स कम ज्यादा कैसे होते हैं, ये सारी चीजों के बायोलॉजिकल क्लॉक से जुड़े होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, कॉर्टिसोल मॉर्निंग में हाई, मेलाटोनिन नाइट में हाई, ग्रोथ हार्मोन स्लीप के टाइम पर हाई, टेस्टोस्टेरोन आफ्टरनून में कम नाइट में हाई, एल्डोस्टेरोन आफ्टरनून में लेस और इवनिंग में हाई, ठीक है। तो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हैप्पी लर्निंग।